हाँ तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का पहले देखो पहले सीखो यूट्यूब चैनल के नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, देख सकते हैं एक बहुत ही बड़ी ब्रेकिंग न्यूज हमारे सामने निकल के आ रही है। जैसा कि आप सभी को दिखाई दे रहा है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को लेके मोदी सरकार ने एक बहुत ही बड़ा यहाँ पे आदेश जो है जारी किया गया है। बहुत ही बड़ी खबर, देख सकते हैं। अभी तक अगर आपको किसी भी किस्त का लाभ नहीं मिला है, यानी कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत अगर आपको अभी तक पहली दूसरी तीसरी तीनों किस्तों के अंतर्गत एक भी रुपया अगर आपको नहीं मिला है, तो दोस्तों किस तरीके से आप जो है वो पैसे प्राप्त कर सकते हैं, आपको कौन सा काम करना है, उसके बारे में मैं इस वीडियो में आगे आपको बताने वाला हूँ। इसके साथ ही नए 15 लाख किसानों को पहली किस्त जो है भेजी गई है। तो चलिए, क्या बड़ी अपडेट हमारे सामने निकल के आ रही है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को लेकर। तो चलिए दोस्तों, मैं वीडियो शुरू करूं उससे पहले आप सभी भाई बहनों से एक छोटी सी विनती करूंगा, छोटा सा आग्रह करूंगा। अगर आप इसी तरीके के वीडियो हमारे चैनल के माध्यम से सबसे पहले देखना चाहते हैं, तो दोस्तों आपको इस वीडियो के नीचे इस तरीके से एक रेड सब्सक्राइब का बटन दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, उसको दबा के हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल के साथ जुड़े। इसके साथ ही दोस्तों सब्सक्राइब के राइट साइड में आपको एक छोटे से बेल या घंटे का निशान दिखाई दे रहा होगा, उसको दबा के इस तरीके से ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। इससे ये होगा जैसे ही कोई भी गवर्नमेंट की योजना से संबंधित बड़ी अपडेट हमारे सामने निकल के आती है, उसका वीडियो आप सबसे पहले हमारे चैनल पहले देखो पहले सीखो के माध्यम से बिल्कुल फ्री में देख पाएंगे। और दोस्तों, जानकारी अच्छी लगती है, वीडियो पसंद आता है और मोदी सरकार की इस योजना से आप सहमत हैं, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बारे में अगर आपकी जो भी राय है, जो भी आपकी इच्छा है, वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। जो भी आपके सामने प्रॉब्लम आ रही है, अगर आपको किसी भी प्रकार से पैसे नहीं मिले हैं, आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट या स्टेट से बिलोंग करते हैं, अपने स्टेट या डिस्ट्रिक्ट का नाम जरूर बताएं। इसके साथ वीडियो के अंतर्गत जो भी जानकारी है मोदी सरकार की ये योजना आपको अच्छी लगती है, तो दोस्तों वीडियो के नीचे थंबनेल के बटन को दबा के वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों मित्रों रिश्तेदारों और किसान भाइयों के भी शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाई हमारे चैनल के माध्यम से जुड़ के गवर्नमेंट की योजनाओं से संबंधित वीडियो सबसे पहले देख पाएं। तो दोस्तों, आप यहां पे देख सकते हैं, अगर आपको अभी तक पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ नहीं मिला है, तो आप देख सकते हैं जरूर मिलेगा पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम का पैसा, बस करना होगा ये काम। यूपी के 1.55 करोड़ किसानों को मिला पीएम किसान निधि स्कीम का लाभ। यहां पे देख सकते हैं 30 जुलाई 2019 की अपडेट है, यहाँ पे यूपी के अंतर्गत 1.55 करोड़ किसानों को यहाँ पे लाभ जो है मिल चुका है पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम का पैसा। प्राप्त करने के लिए आपको ये काम करना होगा, तो आप यहां पे देख सकते हैं कौन सा काम आपको करना होगा। यहां पे देख सकते हैं मोदी सरकार देश के सभी 14.5 करोड़ किसान परिवारों को खेती किसानी के लिए सालाना 6,000 रुपये यहां पे देना चाहती है आर्थिक सहायता के रूप में। इसके लिए पर्याप्त फंड है, लेकिन कुछ राज्यों में अधिकारी किसानों और सरकार की इस स्कीम के बीच बाधा बनने का काम कर रहे हैं। यानी कि जहाँ जहाँ पर कांग्रेस सरकार है, वहाँ की जो गवर्नमेंट है, वो केंद्र सरकार को वहाँ के किसानों का जो डाटा है वो उपलब्ध नहीं करा पा रही है, बीच के अंतर्गत एक बाधा या रोड़े का काम कर रही है, जिसके कारण उस राज्यों के अंतर्गत किसान भाइयों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ नहीं मिल पाया है। इस स्थिति में वहाँ के किसानों को ये काम करना होगा। यदि आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, तो पहले अपने कृषि नज़दीकी कृषि अधिकारी, उसके बाद लेखपाल से संपर्क करें, वहाँ से उनके पास जानकारी जो भी है वो आप जुटाएं कि किस कारण से उनको पैसा नहीं मिल पा रहा है। इसी के साथ अपने ब्लॉक पर पता करें, अपने प्रदेश के जन सुनवाई पोर्टल पर आप शिकायत जो है डालें, किसान मित्र का सहयोग लें। यदि कहीं से भी आपकी बात नहीं बन पा रही है, तो सीधे कृषि मंत्रालय में फ़ोन करके किसान हेल्प डेस्क के ऊपर जो ईमेल आईडी है उससे भी आप संपर्क कर सकते हैं, वहां से भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ईमेल आईडी आप यहां पे देख सकते हैं pmkisan@icity.gov.in, ये जीमेल आईडी है जिसके ऊपर आप जानकारी ले सकते हैं। उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको फिर भी संतुष्टि ना मिले, कोई भी मेल की रिप्लाई नहीं आए, तो आपको एक नंबर बता रहा हूँ, जिस नंबर के ऊपर कॉल करके आप इस योजना से संबंधित जो भी प्रॉब्लम है वो आप वहाँ से कन्फर्म करके पूछ सकते हैं। वहाँ से भी अगर बात नहीं बने, तो आपको इस फ़ोन के ऊपर कॉल करना है, डायरेक्ट हेल्पलाइन नंबर है, 011-233-8-1092, ये नंबर आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहे हैं, इन नंबरों के ऊपर आपको कॉल करना है। दोस्तों, ये नंबर जो है काफ़ी ज़्यादा बिजी रहता है, इस कारण से आपको बार बार ट्राई करना है, इसके ऊपर फ़ोन करके अपनी जो समस्या है वो आप बताएं कि हम इस डिस्ट्रिक्ट से बोल रहे हैं या जिस राज्य से आप बोल रहे हैं, वहाँ पर आपका जो भी नंबर है जो आपने फॉर्म भर सबमिट किया था वो नंबर आप वहाँ पर बताएँ, उसके संबंधी जो भी इन्फॉर्मेशन है वो आपको वहाँ से इनपुट करा दी जाएगी।
यदि नहीं इस योजना के वेलफेयर सेक्शन में भी आप संपर्क कर सकते हैं। दिल्ली में इसका फ़ोन नंबर है 01123382401। दूसरा नंबर दिल्ली का नंबर ये है 01123382401। इसके ऊपर भी आप संपर्क करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। जबकि ईमेल आईडी जैसा कि मैंने पहले बताया था, एक ईमेल आईडी फर्स्ट में बताई थी, सेकंड जीमेल आईडी pmkisan@hqrs@gov.in, इसके ऊपर भी आप संपर्क कर सकते हैं। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी का कहना है कि अगर किसी असली किसान भाई के बैंक अकाउंट में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का पैसा नहीं पहुंच रहा है तो इसका समाधान जल्द से जल्द किया जाएगा। तो दोस्तों, राज्य के कृषि मंत्री कैलाश चौधरी का भी यही कहना है कि प्रत्येक किसानों तक इस योजना का लाभ जो है पहुंच पाए। तो दोस्तों, बहुत ही अच्छी योजना है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। अगर दोस्तों आपको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना और किसान कर्ज माफी योजना के दोनों ही योजनाओं के तहत आपको कौन सी योजना अच्छी लगती है, अगर आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना अच्छी लगती है तो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में नरेंद्र मोदी जी जरूर लिखें और वीडियो को लाइक जरूर करें। क्योंकि दोस्तों, किसान कर्ज माफी की तुलना में बहुत ही अच्छी योजना है, मैं भी यही मानता हूं। क्योंकि इस योजना के तहत सीधे बैंक के माध्यम से किसान भाइयों तक 6,000 रुपये पहुँच रहे हैं। हालांकि हर राज्य के अंतर्गत अभी तक पैसे नहीं पहुँच पाए हैं, लेकिन अधिकांश राज्यों में इसकी लाभ जो है पहुंच चुका है, जो किसान भाइयों के लिए बहुत ही अच्छा यहाँ पे कदम उठाया गया है मोदी सरकार द्वारा। यूपी में 1.5 करोड़ किसानों के बैंक अकाउंट में पैसे पहुंच चुके हैं। हालांकि कई जगह पर फर्स्ट किस्त ही अवेलेबल हो पाई है, काफ़ी स्टेटों के अंतर्गत सेकंड लिस्ट। लेकिन दोस्तों, आप जो मैंने मोबाइल नंबर बताया, जो जीमेल आईडी बताई, उनके ऊपर संपर्क करके आप अपनी सेकंड या थर्ड जो भी किस्त आपकी ड्यू रह रही है, सारी किस्त आप वहाँ से मंगवा सकते हैं। ऐसे हजारों पात्र किसान हैं जो भटक रहे हैं, लेकिन उनके जिले में कृषि अधिकारियों और लेखपालों की लापरवाही से उन सभी किसान भाइयों को लाभ नहीं मिल पा रहा है। एक ही गांव में कुछ किसानों के अकाउंट में 2-2 किस्तें आ चुकी हैं, लेकिन कुछ किसान ऐसे हैं जिनके अंतर्गत अभी भी एक भी किस्त उनके अकाउंट में नहीं पहुँच पाई है। कुछ लोगों के खाते में पहली किस्त आई है जबकि दूसरी किस्त नहीं मिल पाई है। अब तक सिर्फ 6 करोड़ किसानों को ही पूरी तरीके से इस योजना का लाभ यहाँ पर मिल पाया है। देश के 6 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक अकाउंट में खेती किसानी के लिए 4,000 रुपये की किस्त पहुंच गई है, लेकिन 8.5 करोड़ किसान परिवार अब तक पैसों का इंतजार कर रहे हैं। योजना की औपचारिक शुरुआत जो थी 24 फरवरी 2019 को गोरखपुर से की गई थी माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं अब तक कितने किसानों को यहाँ पर लाभ मिल पाया है, किन किन राज्यों के अंतर्गत। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कृषि मंत्रालय के अधिकारियों के मुताबिक 26 जुलाई तक अब तक देख सकते हैं आप यहां पे 6,04,27,876 किसानों को इस स्कीम का लाभ मिल चुका है। लेकिन यह ध्यान रखना है कि देश में हमेशा 14.5 करोड़ किसानों को अब तक इस स्कीम का पैसा मिल जाना चाहिए था, लेकिन काफ़ी राज्य ऐसे हैं जिनके अंतर्गत अभी भी किसान भाइयों का इंतजार करना पड़ रहा है इस योजना का लाभ उठाने के लिए। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक किसानों को इस योजना का लाभ मिल पाया है, यहां से 1.5 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक अकाउंट में पैसा जा चुका है। जबकि दिल्ली, लक्षद्वीप और पश्चिमी बंगाल में एक भी किसान को अभी तक इसका लाभ नहीं मिल पाया है, क्योंकि यहां की जो राज्य सरकार है वो केंद्र सरकार को किसानों के नाम ही नहीं भेज पा रही है। केंद्र सरकार पैसा देना चाहती है, लेकिन ये राज्य सरकार किसानों को लाभ नहीं देने के कारण यहाँ पे ये जो पैसे हैं ये अटके हुए यहाँ पे पड़े हैं। इन राज्यों के किसानों को भी मिला सबसे ज़्यादा लाभ। तो दोस्तों, किन किन राज्यों के अंतर्गत किसानों को लाभ मिल चुका है वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। यूपी को सबसे अधिक लाभ यहाँ पे मिला है, यहाँ पे 1.55 करोड़ किसानों को पैसा मिल चुका है। बीजेपी शासित गुजरात में 39.65 लाख लोगों को यहाँ पे पैसा मिल चुका है। इसी के साथ हरियाणा में 12 लाख, महाराष्ट्र में 54.82 लाख, उत्तराखंड में 5.37 लाख किसानों को इसका लाभ मिल चुका है। जबकि जेडीयू बीजेपी शासित बिहार में 23.77 लाख किसानों के बैंक अकाउंट में पैसे आ चुके हैं। जबकि कांग्रेस शासित पंजाब में भी इस योजना का लाभ मिल चुका है 14.39 लाख लोगों को। इसके बाद मध्य प्रदेश में 19.20 लाख किसानों को इसका लाभ मिल चुका है। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में 39.52 लोगों को यहां पे लाभ मिल चुका है। कांग्रेस सरकार गैर कांग्रेसी तेलंगाना में भी 31.62 लाख किसानों को यहाँ पे इसका लाभ मिल चुका है। उड़ीसा के अंतर्गत 29 लाख किसानों को यहाँ पे लाभ मिल चुका है और यहाँ पे केरल के अंतर्गत 18.26 लाख किसानों को यहाँ पे पूरी तरीके से लाभ इस योजना का मिल चुका है। तो दोस्तों, ये थी यहाँ पे विभिन्न जो
राज्य हैं जिनके अंतर्गत कितने कितने किसानों को यहाँ पे पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिल चुका है। तो दोस्तों, आप जिस भी स्टेट या जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आप ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको वहाँ पे अभी तक किसी भी प्रकार की किस्त का लाभ नहीं मिल पाया है, या आपको सेकंड किस्त नहीं मिली है, फर्स्ट किस्त नहीं मिली है, या थर्ड किस्त नहीं मिली है, तो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि नेक्स्ट वीडियो में उस राज्य की जो भी बड़ी अपडेट है, जो भी पीएम किसान सम्मान निधि योजना को लेकर खबर जारी है, उसके बारे में आपको अपडेट करा सकूं। इसके लिए दोस्तों आपको सिंपली एक काम करना है, इस वीडियो के नीचे जो रेड सब्सक्राइब का बटन दिखाई दे रहा है उसको दबा के हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल के साथ जुड़ना है। इसके साथ ही लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए सब्सक्राइब के राइट साइड में छोटे से बेल या घंटे के निशान को दबा के ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करना है। इसके साथ ही दोस्तों, अगर जानकारी अच्छी लगती है, वीडियो अगर अच्छा लगा हो और मोदी सरकार की इस योजना से आप सहमत हैं, मोदी सरकार की अच्छी योजना है, तो दोस्तों वीडियो को दिल से लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों, मित्रों, रिश्तेदारों और किसान भाइयों के बीच इस वीडियो को शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाई किसान सम्मान निधि योजना का लाभ उठा सके और हमारे चैनल के साथ जुड़ के गवर्नमेंट की योजनाओं से संबंधित वीडियो सबसे पहले देख सकें। तो दोस्तों, मिलते हैं ऐसे ही नई लेटेस्ट और ताज़ा अपडेट के साथ, तब तक के लिए बने रहिए पहले देखो पहले सीखो यूट्यूब चैनल में। जय हिंद दोस्तों, जय भारत, जय जवान, जय किसान।